7 चैप्टर का ब्रेन टीजर क्वेश्चन नंबर 4 सिंपलीफाई द फॉलोइंग फर्स्ट पार्ट है हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर फर्स्ट आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर हम इसे लिखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab सेकंड आइडेंटिटी हमें इन्हें ऐड करना है तो लाइक टर्म्स को हमने एक साथ लिखा a स्क्वायर के साथ ये वाला a स्क्वायर इस b स्क्वायर के साथ दूसरे वाला b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab लाइक टर्म जिनके वेरिएबल सेम होते हैं तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जब हम इन टर्म्स को वेरिएबल्स को ऐड करते हैं तो हम इनके कोफिशिएंट को ऐड करते हैं ए स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है दोनों में तो हमारे पास आया 1 प्लस 1 2 ए स्क्वायर सिमिलरली बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी माइनस 2 ए बी आपस में कैंसिल हो जाएंगे अपोजिट साइन है यहाँ हमारे पास 2 कॉमन आ गया ब्रैकेट में बचा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 दोनों में सेम था इसलिए हमने कॉमन ले लिया अंदर फर्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट बाइनोमियल में बाइनोमियल के फर्स्ट टर्म में बचा ए स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म में बचा बी स्क्वायर थ्री एक्स प्लस सेवन वाई का होल स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस सेवन वाई का होल स्क्वायर अब हम चाहें तो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं हमने पुट किया 3x प्लस 7y को a ले लिया और 3x माइनस 7y को b पुट कर लिया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3x प्लस 7y का होल स्क्वायर था उसकी जगह हमने लिखा ए स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7y का होल स्क्वायर था उसको हमने लिखा बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी ए प्लस बी एंड इन नेक्स्ट ब्रैकेट ए माइनस बी अब हम हमारा जो ए था हमने लिया 3x प्लस 7y होल स्क्वायर माइनस बी 3x माइनस 7y इसका होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए हमने ए 3x प्लस 7y प्लस बी बी की वैल्यू 3x माइनस 7y फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास a प्लस बी आ गया अब हमने नेक्स्ट ब्रैकेट में लिया a माइनस बी a हमने एज इट इज लिखा 3x प्लस 7y माइनस बी जब हम माइनस बी की वैल्यू लिखेंगे तो बाहर माइनस होने से हम b की जो वैल्यू है उसके जो साइन है वो चेंज कर देंगे प्लस का 3 है तो माइनस 3x हो जाएगा माइनस 7y है तो प्लस 7y हो जाएगा ऐसा हम तब करते हैं जब ब्रैकेट जब हमें एक एक टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करनी है तो जो भी टर्म हमें माइनस करनी होती है उसको माइनस करने में हम उसके साइन चेंज कर देते हैं आगे हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट में बचा 7x से माइनस 7y से माइनस 7y कैंसिल हो जाएगा 3x प्लस 3x 6x मल्टीप्लाई सेकंड ब्रैकेट में 3x से माइनस 3x कैंसिल हो गया 7y प्लस 7y 14y दिस इज इक्वल टू 14 6 जा 84 एक्स वाई स्टार्ट करेंगे थर्ड क्वेश्चन थर्ड पार्ट है हमारा फर्स्ट ब्रैकेट में दे रखा है 6a प्लस 5b प्लस 4c होल स्क्वायर माइनस 6a माइनस 5b माइनस 4c इसका भी होल स्क्वायर 6a प्लस 5b प्लस 4c को हमने a पुट कर लिया क्योंकि हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लिख रहे हैं तो हमने फर्स्ट टर्म जो है इसको a और सेकंड टर्म जो है उसे b ले लिया तो ये हमारा बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर थर्ड आइडेंटिटी जो होती है a प्लस b एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b अब हमने a की वैल्यू रखी अपनी
6a plus 5b plus 4c और माइनस का स्क्वायर और माइनस b, b क्या है मेरे पास 6a माइनस 5b माइनस 4c इसका स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a प्लस b. हमने a और b का सम किया 6a प्लस 5b प्लस 4c. जब हम सम करते हैं तो नंबर्स के जो साइन होते हैं उसमें कोई चेंज नहीं आता, जो है वैसे के वैसे ही रहेंगे. अब हम b की वैल्यू पुट करेंगे तो b की b है हमारे पास 6a माइनस 5b माइनस 4c एज इट इज हमने रखती है. सेकेंड ब्रैकेट में मैं सेकेंड ब्रैकेट नीचे लिखती हूँ. a रखा हमने 6a प्लस 5b प्लस 4c. अब दूसरा ब्रैकेट जो है हमारा a माइनस b है, तो जब बाहर माइनस है तो b के जो वैल्यू है उसके सारे जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे. प्लस 6 है तो ये माइनस 6a हो जाएगा, माइनस 5b है ये प्लस 5b हो जाएगा, प्लस माइनस 4c है ये प्लस 4c हो जाएगा. अब हम देखते हैं हमारे पास आगे सॉल्व करके आता है. बस ब्रैकेट में बचता है 6a प्लस 6a, पहले प्लस 5b और माइनस 5b आपस में कैंसिल, प्लस 4c माइनस 4c आपस में कैंसिल. तो फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास पहले वायर, और अब हम देखते हैं सेकंड ब्रैकेट में क्या आता है. 6a माइनस 6a कैंसिल, 5b प्लस 5b 10b, 4c प्लस 4c दोनों सेम साइन है तो ऐड होके हो गए 8c. आगे हमने 12a की यानी मोनोमियल की इस बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करी, पहले की 10 से करी तो 120 ए बी, फिर 12a की प्लस 8c से करी 12a 96 ac. स्टार्ट करेंगे लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, फोर्थ पार्ट है. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विद इन ब्रैकेट इन नेक्स्ट ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर. अब हम देख सकते हैं दोनों टर्म में यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों में सेम है, तो हम जो दोनों टर्म्स में जो नंबर्स है उसको हमने बाहर कॉमन ले लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट में बचा ये बाहर आ गया कॉमन आ गया, हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा. और सेकंड ब्रैकेट में पहले माइनस लगा के हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, फिर बाद में नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट खोलेंगे. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में इसका स्क्वायर था तो एक टर्म बाहर आ जाएगी, तो अभी यहाँ पर हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा क्योंकि पावर टू थी. अब हमने इस स्टेप में ब्रैकेट खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर माइनस होगा तो अंदर के साइन चेंज होंगे, ए स्क्वायर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर है तो वो प्लस का हो जाएगा क्योंकि बाहर जो माइनस है उसकी दोनों टर्म से अंदर मल्टीप्लाई होगी. अब हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फर्स्ट ब्रैकेट में और सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गई, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर. अब हम इनका प्रोडक्ट करें, मोनोमेल को पहले आगे लिख लिया और बाइनोमियल को बाद में लिखा. मोनोमियल से फिर की दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आया 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर फर्स्ट टर्म से करी, फिर सेकंड टर्म से भी करेंगे माइनस 2 बी की पावर स्क्वायर की स्क्वायर से मल्टीप्लाई करी तो बी की पावर बन गई 4.